नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करेंगे सोनम कपूर और अमीषा पटेल के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। इन दोनों ने ही कई सारी फिल्मों में काम किया है, साथ ही इनके प्रशंसकों ने आज इनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनम कपूर के बारे में। सोनम कपूर बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जो स्टार किड कहलाई। साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। इनके अपोजिट में रणबीर कपूर थे। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सुपरस्टार की बेटी होने के नाते सोनम कपूर काफ़ी चर्चे में रही। लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी इनके पास फिल्मों की कमी नहीं थी। एक के बाद इन्हें फिल्में मिलती रहीं और इसी तरह सोनम कपूर बॉलीवुड में काम करती रहीं। वहीं सोनम कपूर के करियर की बात करें तो उनके करियर में रांझना, नीरजा, आई हेट लव स्टोरी, प्रेम रतन धन पायो, पैडमैन समेत कई सारी हिट फिल्में भी रही हैं। लेकिन रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ बॉलीवुड में लॉन्च हुई सोनम का करियर इनकी तरह शानदार नहीं रहा। बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस में उनकी गिनती नहीं हुई। अभी भी उनकी पहचान अनिल कपूर की बेटी के तौर पर ही होती है। सोनम कपूर ने 9 मई 2018 में दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी रचाई और शादी के बाद से ही सोनम पूरी तरह से लंदन शिफ्ट हो गई। शादी के बाद उनकी बस एक ही फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम है जोया फैक्टर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2019 में आई थी, जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उसके बाद से सोनम कपूर के हाथ में इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स ही हैं, जिनको वो कर रही हैं। इसके साथ ही आए दिन वो फैशन शोज का हिस्सा रहती हैं। लेकिन सोनम कपूर आजकल फिल्मों से गायब भी हो चुकी हैं। तो अब हम आपको सोनम कपूर के बारे में और बताते हैं। अनिल कपूर की पहली संतान सोनम कपूर है। 9 जून 1985 को उनका जन्म हुआ था। वो दौर था जब अनिल कपूर 80 के दशक में राज कर रहे थे, एक से एक बढ़कर फिल्में दे रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में सोनम कपूर को रेड कार्पेट पर वेलकम मिला। बॉलीवुड स्टार्स को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सोनम कपूर को भी नहीं करनी पड़ी। पहली ही फिल्म उनकी संजय लीला भंसाली जैसे बड़े फिल्म मेकर के साथ रही। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सोनम ने अपने आप को हीरोइन बनाने के लिए काफी मेहनत किया। सोनम का बॉलीवुड में आने से पहले वजन काफी ज्यादा था, करीब 90 किलो की थी। फ्लॉप एक्ट्रेस होने के बाद भी सोनम की चर्चा होती रहती है। फैशन आइकन कहलाती है बॉलीवुड में। लोगों को सोनम कपूर का फैशन सेंस बहुत पसंद आता है। वहीं बात करें बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अमीषा पटेल के बारे में, तो भले ही अब वो फिल्मी पर्दे से दूर रह रही हूँ, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ अभिनय किया है, साथ ही कई हिट फिल्में भी दी हैं। आपको बता दें कि अमीषा का जन्म महाराष्ट्र के गुजराती परिवार में साल 1975 में हुआ था। अमीषा पटेल ने अमेरिका के टफ्टस यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यह बात अभिनेत्री के बहुत कम ही फैंस को पता होगी कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म साल 2000 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अमीषा पटेल ने काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म कहो ना प्यार है बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद वो अभिनेता सनी देओल के साथ फिल्म गदर में नजर आई। अमीषा पटेल की यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में अमीषा पटेल की भूमिका को बहुत सराहा गया था। साल 2002 में फिल्म हमराज जैसी सुपरहिट फिल्म में काम करने के बाद अमीषा अपने करियर के टॉप पर पहुंच गई। इसके बाद वो फिल्म भूल भुलैया, रेस 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। आज सोनम कपूर और अमीषा पटेल का बर्थडे है और उनके बर्थडे पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खबर के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।